आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके फ़ोन में फेसबुक लाइट का ओटीपी नहीं आ रहा है, फेसबुक लाइट का ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है, तो फिर ये प्रॉब्लम कैसे ठीक करें। तो इसे ठीक करने के लिए आप फेसबुक लाइट से बाहर आइए, उसके बाद अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए। सेटिंग्स ओपन करने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे आकर ऐप्स आएगा, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद मैनेज ऐप्स आएगा, तो इस पर क्लिक करिए। ये मैनेज ऐप्स आपके फ़ोन में ऐप मैनेजर या फिर ऐप मैनेजमेंट नाम से आ सकता है, तो इसे ओपन करने के बाद आपके फ़ोन के सारे ऐप आ रहे हैं। तो अब आपको नीचे आना है, नीचे आकर यहाँ पर काफ़ी सारे ऐप आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आएगा फेसबुक लाइट, तो इस तरीके से लाइट के नाम से आएगा, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद नीचे फोर्स स्टॉप आएगा, इस पर क्लिक करिए और ओके करिए। और उसके बाद ऊपर स्टोरेज पे क्लिक करिए, क्लियर डेटा आएगा यहाँ पे, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे आएगा क्लियर कैशे, इस पर क्लिक करिए और ओके करिए। उसके बाद बैक आइए और यहाँ पे मैनेज ऐप्स में ही नीचे आकर मैसेजेस आएगा, आपके फ़ोन का मैसेजिंग ऐप, तो कुछ इस तरीके से मैसेजेस के नाम से आएगा, इस पर क्लिक करिए। नीचे फोर्स स्टॉप आएगा, इस पर क्लिक करिए और ओके करिए। ऊपर स्टोरेज पे क्लिक करिए, नीचे क्लियर डेटा पे क्लिक करिए, क्लियर ऑल डेटा करिए, ओके करिए। उसके बाद बैक आइए और उसके बाद ऐप परमिशन आएगा, तो इस पर क्लिक करिए। ऊपर आएगा अलाउड, नीचे नॉट अलाउड आएगा, तो यहाँ पे आएगा एसएमएस। अगर ये परमिशन चालू नहीं है तो इस पर क्लिक करिए। उसके बाद ऊपर अलाउ पे क्लिक करिए, बैक आइए। उसके बाद बैक आ जाना है और अब अपने फ़ोन में एक बार फ़्लाइट मोड ऑन करिए, उसके बाद फ़्लाइट मोड बंद करिए और अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करिए या फिर फ़ोन को बंद करके चालू करिए। और अब फिर से चेक करिए, ओटीपी आ जाएगा, अब ओटीपी आपके नंबर पर रिसीव हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप ये प्रॉब्लम ठीक करें। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।